बड़ी खबर आगरा से। आगरा में निर्भया की डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाने का मामला सामने आया है। एनजीओ संचालक चेतन दीक्षित को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। बता दें आपको, महिला दिवस पर एनजीओ ने इंडियाज डॉटर डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी। एनजीओ ने आवल खेड़ा के गांव में ये विवादित डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी। इसी के बाद ये पूरा मामला सामने आया। बता दें आपको, केंद्र सरकार ने इंडियाज डॉटर डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी आगरा में इसे दिखाया गया। और इसी मामले में जिस व्यक्ति पर आरोप है उसे हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ जारी है। आगरा का मामला है जहां पर निर्भया की डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाने का मामला सामने आया है। एनजीओ संचालक चेतन दीक्षित को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है, जिससे पूछताछ हो रही है। दरअसल महिला दिवस पर एनजीओ ने इंडियाज डॉटर डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी। एनजीओ ने आवल खेड़ा के गांव में ये डॉक्यूमेंट्री दिखाई है, विवादित डॉक्यूमेंट्री, जिस पर सरकार ने पहले ही रोक लगा रखी है। हम लोगों को जैसे सूचना मिली तो संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी गांव में ही गए। 3 बजे 4 बजे तक उन्होंने देखा कोई मिस्टर केतन दीक्षित और गौरव, जो स्टॉप एसिड अटैक और छाया फाउंडेशन नाम का एनजीओ चलाते हैं, इन्होंने लैपटॉप के माध्यम से गांव वालों को डाटर ऑफ इंडिया नाम का डॉक्यूमेंट्री, जो इसमें चर्चा का विषय है, दिखाया गया है। इनको थाने में बुलाया गया है। विधिक राय लिया जा रहा है कि इनके विरुद्ध क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है और तदनुसार कार्रवाई करने का प्रयास किया जा रहा है। जी हाँ, तो बता दें आपको, आगरा में ये विवादित डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई है, इंडियाज डॉटर, जिस पर सरकार ने पहले ही बैन लगा दिया है इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाए जाने पर। दरअसल बीबीसी के जरिए डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी और इस डॉक्यूमेंट्री को यूरोप की कई कंट्रीज में प्रसारित भी किया जा चुका है, लेकिन भारत में इसे प्रसारित करने पर रोक लगी हुई है। इसके बावजूद एक एनजीओ ने एक गांव में इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाया है, जिसकी सूचना मिलने के बाद अब व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाया गया है।